भाई पबजी मोबाइल के अंदर जो बेस्ट चीज़ें और मुश्किल चीज़ें वो है कॉन्करर। तो अब इस सीज़न के अंदर कॉन्करर के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं एकदम इजी तरीका, और इसके प्री रिवार्ड हम कैसे उठा सकते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो तुम लोगों ने अभी तक भाई नहीं सुने होंगे। तो अब अगर इधर की बात की जाए, एक रोज़ा में जो है ना आईमो ख़त्म हो चुके, अब इधर देखो एक ही हेड शॉट, और फिर उसके बाद अगर बात की जाए दूसरा बंदा भी इस वक्त पहुँच चुका है मशीन गन के साथ, ये हो गया फट्टे से हेड शॉट। इसके लिए एक लाइक लाजमी से स्ट्रोक देना, और इधर सस्ते वाले रिवार्ड भी तुम्हें मिल जाते मेहनत से। ये चीज मेरे अजीज। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। अर्थ फाइनली आपका भाई आ गया एक न्यू स्पेशल वीडियो के साथ। देखो भाई ये वाली वीडियो जो है ना कॉन्करर वालों के लिए बेस्ट वीडियो, जो बंदे सोलो रैंक पुश कर दे, ठीक है, सोलो रिंग पुशर के लिए बेस्ट वीडियो है। जो चीज़ें मैं बताता हूँ जो मैंने किए हैं, मतलब जो जो चीज़ें मैंने किए हैं वो सब के सब तुम इधर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर से शुरू करता हूँ। देखो भाई क्वारी वाले पे मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि उधर से अगर मैं रिकॉल उठाता हूँ मेरी पीटी बन जाती है। सबसे पहले मैं आता हूँ इधर स्टारबीर वाले रिकॉल पे। अगर इधर प्लेन नज़दीक था तो डायरेक्टली इसके साइड में जो भाई जो पंख वाले होते हैं ना, मैं उसको पकड़ के डायरेक्टली निकल जाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इधर से रिकॉल उठाता हूँ, और फिर उसके बाद बंदूक के तलाश में निकल जाता हूँ, या फिर बंदे मुझे फिनिश करते हैं या फिर मैं उनको फिनिश करता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मुझे 3-4 किल्स मिल जाते हैं। अगर मैं गलती से फिनिश हो गया, जैसा कि इस बार 2 किल्स के साथ मैं फिनिश हो गया, मैं आता हूँ जोजापुर के साइड पे, जो जोजो सिटी इस पर, ठीक है, ये वाले घर हैं इस पर भी तुम आ सकते हो। जैसे मैं इधर आता हूँ, इधर जो है ना मैं थोड़ा बहुत टाइम भी स्पेंड करता हूँ, और इसके साथ जो है ना इधर मुझे किल्स भी मिल जाती हैं। अब इधर देखो, इधर जो है ना ये वाली गाड़ी लाजिमी होती, इस जगह पे एक गाड़ी लाजिमी होती, एक व्हीकल तुम्हें लाजिमी देखने को मिल जाता है। तो व्हीकल के तलाश में हर एक बंदा होता है, क्योंकि लार्ज सर्कल में हर एक बंदे को जाना होता है सर्कल पे। तो ठीक वैसा ही इधर मुझे 2 किल्स और मिल गए, ठीक है। ये जो है ना इसकी दूसरी कहानी हो गई, अगर तुम फिनिश होते हो और फिर उसके बाद फिर से तुम रिकॉल होते हो, ये वाली जगह जो है ना तुम्हारे लिए बेस्ट है। अगर सर्कल इस साइड पे, अगर इस साइड पे नहीं है किसी और जगह पे भी तुम सेफ जा सकते हो। तो ठीक वैसा ही भाई, इससे पहले कुल मिलाकर जैसे ही सीज़न आया था 2 दिन मैंने नहीं खेला, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, 3 दिन के अंदर इस बार फिर से मेरा कॉन्करर हो चुका है कंप्लीट। तो कल रात मेरा एज कंप्लीट हो चुका था, तो अब मैं इसका रैंकिंग भी दिखाऊंगा कि इस वक्त जो है ना मेरा रैंकिंग कौन सा चल रहा है, और भाई कितने टाइम तक मैं इसको करूँगा कम्प्लीट। अभी इधर देखो 1015 है मेरा रैंकिंग, ठीक है। ये रैंकिंग जो है ना तुमने लेके आना है 500 तक, और सुबह तक 5 बजे तक ये जो है ना 500 के अंदर होना चाहिए, फिर उसके बाद तुम्हें मिल जाएगा कॉन्करर, ठीक है। तो अब जो है ना लार्ज सर्कल का इधर एक और कहानी बताता हूँ। लार्ज सर्कल में जो है ना अक्सर बंदे शेक पकड़ते हैं, शेक भी बेस्ट है, ठीक है, जो छोटे छोटे से शेक होते हैं वो भी बेस्ट है, उसके अंदर भी तुम सर्वाइव कर सकते हो। अगर वो नहीं है भाई ऊपर वाले, मतलब जितने भी तुम टॉप पे होते हो, टॉप वाली जगह पे रहो, उतना ही तुम एकदम इजीली बंदों को फिनिश कर सकते हो। तो अब ये वाला बंदा इधर था, इसको मैं स्प्रे पे भी मार सकता था, मगर भाई बदकिस्मती से अगर ये बंदा निकल गया तो फिर साइड पे चला गया तो फिर मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो इसको मैंने टपाटप से मार दिया, और वो भी ग्रोजा से। और फिर उसके बाद लार्ज सर्कल में अगर तुम बग्गी पकड़ते हो तो हर एक बंदे को भाई दिख जाता है कि साइड से कौन आ गया। तो इसके लिए बेस्ट चीज़ मैं बताता हूँ, लार्ज सर्कल है, इधर तुम देख सकते हो, ठीक है। सिचुएशन जो है ना इस वक्त कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया, तो आपस के बाद अगर मैं इधर हिल लगाऊँ, ऊपर से जो है ना इधर प्ले जोन शुरू हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले इधर नीचे करते हैं स्मोक, क्योंकि सर्कल के अंदर मैं स्मोक फेंकता हूँ, तो फिर उसके बाद बग्गी लेके मैं डायरेक्टली उसके अंदर जाता हूँ। स्मोक जो है ना रिंग पुशर वालों के लिए, मतलब जो भी रिंग पुश करते हैं उनके लिए जो है ना बेस्ट चीज़ है स्मोक। वो इसलिए क्योंकि स्मोक जो है ना तुम्हें एनिमी से एकदम ईजीली बचाता है। तो अब इधर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर से बग्गी पकड़ता हूँ जैसे ही इधर प्ले जोन आता है, फिर उसके बाद भाई 3 बंदे और हैं और एक हूँ मैं, ठीक है। तो अब मुझे लगा कि एक बंदा शेक में, सबसे पहले मैं इधर शेक में एक ग्रेनेड पे करता हूँ, मगर उस साइड पे कोई भी नहीं था, तीनों की तीनों बंदे उस साइड पे, ठीक है। तो अब इधर स्मोक ख़त्म हो जाता है, मेरे पास इस वक्त था वेब शूटर। तो वेब शूटर जो है ना बेस्ट चीज़ है भाई, जो बंदा नहीं बता मतलब नहीं बना सकता है, एंड स्क्रीन पे मैं वीडियो देता हूँ, वो जाके देख सकते हो, और उसे तुम एकदम इजीली बना सकते हो। तो अब कुल मिलाकर इधर 2 बंदे और रहते, साइड पे रहो, जिंदा रहो अगर तुम चिकन निकालना चाहते हो। तो इधर एक और मज़े की बात भी बताता हूँ भाई, अगर तुम चिकन नहीं निकालते हो सिर्फ और सिर्फ टॉप 10 मारो, डेली 200 प्लस उठाओ, टॉप 10 तक लाजिमी जाओ, तुम्हें अच्छा खासा प्लस भी मिलेगा। अगर चिकन ना भी हो जाए नो टेंशन है, ठीक है, फिर भी टाइम के साथ साथ एकदम इजीली तुम्हारा कॉन्करर हो जाएगा कम्प्लीट, जो सोलो कॉन्करर है। इस बार जो है ना लिविक के अंदर नहीं, नुसा के अंदर नहीं, सिर्फ और सिर्फ इरेंगल के अंदर ईजी है। इसी के साथ साथ जो है ना ये वाला चिकन मुझे मिल गया, ठीक है।
इरिंगल के अंदर जो है ना, इसलिए इसे क्योंकि इसके अंदर जो रिकार है ना बेस्ट है, ठीक है। और जो तरीकाकार अभी मैंने बताया, अगर तुम इसको फॉलो करोगे अच्छे खासे प्लस भी उठाओगे और जल्दी भी हो जाएगा। कुल मिलाकर 34 का प्लस इस मैच के अंदर मुझे मिला था। और इसके बाद जो है ना एक और मैच मैंने खेला था, इधर देखो 379 है मेरा रैंकिंग, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो एक और मैच भी खेलता हूँ, एक और मैच के बाद 294 हो गया। तो अभी फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया, ठीक है, सुबह 5 बजे तक। तो 5 बजे पे जो है ना हमारे रैंकिंग फिर से रिसीट हो जाता है, मतलब अगर तुम 500 के अंदर हो डायरेक्टली तुम्हें मिल जाता है कॉन्करर। तो अब उसके बाद जैसे ही मैं लॉगिंग करता हूँ, इधर तुम देख सकते हो 2 प्रीमियम के क्रेडिट्स मुझे मिल गए। भाई इतना मेहनत करके 2 प्रीमियम के क्रेडिट्स एक हिसाब से कुछ ज़्यादा ही कम मुझे लगते, ठीक है, खैर फिर भी सी। और इसके साथ जो एस मास्टर और एस डोमिनेटर के जो रिवार्ड है वो भी तुम्हें मिल जाती है, ठीक है भाई। तो अब अगर बात की जाए, ये चीज़ें हमने उठाए। और फिर उसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ, जो जो बंदा कॉन्करर करता है फिर उसके बाद ये चीज़ लाजिमी करना है भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 5 मैच उसी वक्त पे खेलो, ठीक है, या फिर उस दिन पे, दूसरे दिन तक जो है ना नहीं छोड़ने हैं, फिर उसके बाद इसका प्रेम तुम्हें मिल जाएगा। तो अब इस मैच के लिए, मतलब अगर तुम 5 मैच कंप्लीट करना चाहते हो जल्दी जल्दी और तुम आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर इसके लिए जो है ना नुसा बेस्ट है, क्योंकि नुसा के अंदर इतना टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और माइनस भी तुम्हें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और इसके साथ जो है ना इसका जो प्रेम है C4S11 का वो भी इस वक्त मुझे मिल चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सीज़न के अंदर भी कुल मिलाकर 3 दिन के अंदर 13 भाई ने कर दिया है कंप्लीट कॉन्करर। पहले 2 दिन मैंने नहीं खेला था, पहले दिन पे मैंने कुल मिलाकर 100 का प्लस उठाया, फिर उसके बाद दूसरे दिन मैं किसी काम ही बिजी था और तीसरे दिन से मैंने कर दिया शुरू। तो कुल मिलाकर 3 दिन के अंदर हमारा हो चुका है कॉन्करर कंप्लीट। तो इसके साथ इसकी जो भी रिवार्ड है सारे के सारे हमें मिल चुकी है, ठीक है। तो ये रही भाई साहब इस बार कॉन्करर की कहानी, कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो के साथ साथ जो है ना हमारा 10वां कॉन्करर इस वक्त कंप्लीट हो चुका है। तो ये रही भाई साहब वीडियो, अगर पसंद आई हो एक थम्स अप जरूर दे देना और अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर देना। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो बेल नोटिफिकेशन के साथ साथ। और आपका रैंकिंग अभी क्या चल रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।